कैसे हैं फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बेस्ट अल्टरनेट क्या है और ये एक ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है और आप इसे कमर्शियली भी फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सॉफ्टवेयर का नाम है लिब्रे ऑफिस। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली गूगल क्रोम को ओपन करेंगे या फिर किसी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे लिब्रे ऑफिस और यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा और फिर डाउनलोड पर क्लिक करके आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते समय यहाँ पर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे। यदि आपका विंडोज 64 बिट सपोर्ट करता है तो आप 64 बिट ही सेलेक्ट करेंगे या फिर अगर आपका विंडोज 32 बिट सपोर्ट करता है तो आप 32 बिट पर क्लिक करेंगे। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सिस्टम 64 बिट सपोर्ट करता है या 32 बिट सपोर्ट करता है, इसके लिए आप सिंपली स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दिस पीसी या फिर माई कंप्यूटर टाइप करेंगे और फिर आपके स्क्रीन पर दिस पीसी आ जाएगा। इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम 64 बिट सपोर्ट करता है। यदि आपका सिस्टम 32 बिट यहाँ पर शो होता है तो आपको 32 बिट का सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड करना है। अभी इसे हम क्लोज कर देते हैं तो हम इसे अब डाउनलोड कर लेंगे। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक ऐसा इंस्टॉलेशन पैकेज आ जाएगा, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा। अब हम सिंपली स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और लिब्रे ऑफिस का फोल्डर यहाँ पर सर्च करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर है लिब्रे ऑफिस का फोल्डर, हम यहाँ से लिब्रे ऑफिस को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि राइटर जो कि है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ये है स्प्रेडशीट और इम्प्रेस वाला है प्रेजेंटेशन। ड्रॉ को यूज़ करके आप यहाँ पर ड्राइंग्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अवेलेबल हैं। मोस्टली लोग डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन को ही यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैथ फार्मूला और बेस डेटाबेस का भी ऑप्शन दिया जाता है। तो हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे जो कि है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस के साथ आता है। ये सॉफ्टवेयर थोड़ा यूज़ करने में डिफ़िकल्ट लग सकता है क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं एग्जैक्टली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे सेम नहीं है। यदि आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका इंटरफेस एग्जैक्टली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जैसा है तो आप ओपन ऑफिस को ट्राई कर सकते हैं। वीडियो मिल जाएगा आई बटन में। अभी इसे हम क्लोज कर देते हैं और फिर से लिब्रे ऑफिस को ओपन करेंगे, स्प्रेडशीट्स को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर वही इंटरफेस दिया जाता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में है। तो हमने यहाँ पर प्रेजेंटेशन को ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे RT। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। अब हम यहाँ पर फाइल पर क्लिक करके सेव करेंगे इसको। तो हमने सेव एज पर क्लिक कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वो सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में दिए जाते हैं। आपको यहाँ पर कोई भी कन्वर्जन करने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस फाइल को सेव करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ओपन कर सकते हैं। जनरली हम यहाँ पर पावर पॉइंट को यूज़ करते हैं जो कि है 2007 PPTX वाला फॉर्मेट, क्योंकि यही मोस्ट यूज होने वाला फॉर्मेट है। या फिर आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पेड सॉफ्टवेयर है। इसको यूज़ करने के लिए लोग इस सॉफ्टवेयर को क्रैक करते हैं और क्रैक करने से आपके सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स हो सकते हैं। आपके सिस्टम में कोई भी स्पाईवेयर इंस्टॉल हो सकता है या फिर कोई ट्रोजन भी आ सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर क्रैक करके यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ओपन सोर्स वाले सॉफ्टवेयर फ्री में अवेलेबल हैं जिनका आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आई बटन में, जहाँ पर आप सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए और PC रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।